नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं देखने वाला हूं और आज जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं, वो वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये मूरो नाम का चैनल है और ये अच्छे यूट्यूबर्स में से गिने जाते हैं और ठीक ठाक फॉलोइंग है इनकी पाकिस्तान में। इनका वीडियो जो है वो बड़ा रिक्वेस्ट आ रहा था मेरे पास। इसका टाइटल है कैन पाकिस्तान लर्न फ्रॉम इज़राइल एंड इंडिया। अब ये टाइटल देखिए, मतलब भारत तो दुश्मनी में नंबर 2 पर आता है लेकिन इज़राइल नंबर 1 पर आता है, जबकि उनकी कोई लड़ाई नहीं है पाकिस्तान से इज़राइल की, लेकिन नंबर 1 दुश्मन है वो। एक बार की वो भारत के साथ हाथ मिला लेंगे लेकिन इज़राइल के साथ कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। तो भाई ये तो बड़ी हिम्मत की काम की इन्होंने कि क्या पाकिस्तान को सीखना चाहिए इज़राइल और इंडिया से। तो क्या कह रहे हैं जरा सुनते हैं भाई साहब को। कुछ दिन पहले मेरी वीडियो का टाइटल था शुड आई मूव टू अमेरिका, जिसमें मैं पाकिस्तान से हिजरत करने के फ़ायदे और नुकसानात को तोल रहा था एज एन एक्सरसाइज। मतलब लोग ऐसे ही नहीं पाकिस्तान को बस छोड़े, उनकी कुछ वजूहत है छोड़ने की। और स्टैट्स अगर आप देखें तो 1 करोड़ पाकिस्तानी अब पाकिस्तान से बाहर रहता है और हर साल छोड़ने वाले पाकिस्तानियों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। 1,40,000 बंदा 2005 में निकला और अब 2019 में 6 लाख वर्कर्स अपना पेशा और ज़िंदगी पाकिस्तान से बाहर होना ही पसंद करते हैं। तो उस वीडियो में मैं तो समझने की कोशिश कर रहा था लेकिन लोग बड़े एकदम से जज्बाती हो गए। वही बंदा जो गली में कचरा फेंकते वक्त कहता है अबे मेरे बाप का घर थोड़ी है, किसी और को पाकिस्तान छोड़ने की खबर पे उसकी मुहिब्बुल वतनी जाग उठती है। वही बंदा जो आजादी के जश्न मनाने में हवाई फायरिंग करते वक्त नहीं सोचता कि जिस गोली ने ऊपर जाना है उसने वापस नीचे भी तो आना है। नेशनलिज्म के नाम पे जहालत भी बेची जा सकती है ब्रो। खैर दिनिश्ता, थोड़ा सोचो कि लोग पाकिस्तान को क्यों छोड़ना चाहते हैं। क्या उनमें टैलेंट की कमी है? आर दे नॉट फेथफुल टू द कंट्री? टैलेंट तो पाकिस्तानियों में बहुत है, बस उसकी तरबियत नहीं की जा रही। मतलब हाँ, ऐसे भी लोग हैं जो कभी इस मुल्क को ना छोड़ना चाहें, जैसे कि मैं, जिसको इज्जत और कमाई इस मुल्क ने दी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो तो नहीं छोड़ना चाहेंगे ना। इंसान तो उधर ही रहना चाहता है जहाँ उसको इज्जत और कमाई मिले। मतलब लोग गुर्बत और जलालत की ज़िंदगी तो नहीं रहना चाहते ना यार। यहाँ की माइनॉरिटी से आप जाके ज़रा पूछें, हर इंसान मेरे वाले हालात में नहीं है। आप सोचो, आप पाकिस्तानी टैलेंट हो और आपका पोटेंशियल ही ना रियलाइज़ हो रहा हो, तो आप उधर नहीं जाना चाहेंगे जहाँ आपकी सलाहियतों को बेहतर इस्तेमाल किया जाए? IT इंडस्ट्री की मिसाल ले लें कि हर जगह सारे मिश्राज और जेम्स ही का क्यों काम हमें नज़र आता है, किसी पाकिस्तानी वसीम, शकील या रहीम का नाम क्यों नहीं नज़र आता? तुम्हारे भी कोई दोस्त होंगे IT के अंदर, उनसे ही पूछ लो, क्या उनको किसी यहूदी ने रोका हुआ है या उनको किसी एजेंसी ने रोका हुआ है? तो लो जी, मजे की बात यह है कि हमने अपने आप को ही आगे बढ़ने से रोका हुआ है। पाकिस्तान में एक डेवलपर कोड लिखता है, दुनिया की बड़ी बड़ी ऐप्स को चलाने में उसका बड़ा हाथ होता है, लेकिन उसके अपने नाम से उसको कोई नहीं जानता क्योंकि हम अपने लोकल टैलेंट को गोरे के नाम से बेचते। दिस इज एहसन खान, आई एम एन एशियन, ब्रिटिश एशियन एक्टर। जिस मुल्क में शनाख्ती कार्ड तो है लेकिन टैलेंट को उसके अपने नाम से ही नहीं पहचाना जाता, तो उस मुल्क के नौजवान की मोटिवेशन का लेवल क्या होगा? भाई मुल्क ऐसे ही नहीं छोड़ के जाना चाहती ना वहाँ। कभी कभी तो लगता है कि भाई क्या बनेगा, लेकिन अभी कुछ ऐसे नासिर हैं जो शायद सिस्टम में चेंज ले आए। असल में हम पाकिस्तानियों की बात ही यही है कि हम हार नहीं मानते। हम में हमेशा कोई ना कोई ऐसा दीवाना निकल आता है जो इन हालात में भी कोई ऐसा चमत्कार कर देता है कि एक मिनट के लिए दुनिया रुक के भी कहती है कि यार ये कैसे कर लेते हैं, जैसे कि डॉक्टर अब्दुल सलाम की मिसाल। लेकिन अभी ऐसे दीवानों की तादाद बहुत कम है। IT की बात कर रहा था और इसी रिसर्च में मुझे रिमोट बेस का नाम पता चला। एक ऐसी कंपनी जो पाकिस्तान से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ढूंढती है, उन्हें ट्रेन करती है और फिर उन्हें अपने सिलिकॉन वैली के क्लाइंट्स के साथ काम देती है असली नाम से, और अपने असली काम से रिकग्नाइज भी अब लोग हो रहे हैं। अगर तो कंपनियाँ ऐसे चल पड़े तो जल्द हमारे रहीम और शकील को भी दुनिया पहचानने लगेगी। लेकिन अभी तो बस चांदी कंपनीज ने ऐसा करना शुरू किया है और हमारा मुल्क निचले तबके की मेहनत पर चल रहा है और इनकी मेहनत पर बस लोग अमीर से अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। दरअसल इस तबके को दबाने में अमीरों का ही फायदा है। मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा ले। मतलब यहाँ तो पाकिस्तान अपने दुश्मनों से भी सीख सकता है। ओ भाई रिलैक्स रिलैक्स, दीन ईमान बदलने की यहाँ पे बात नहीं हो रही, बस हकीकत पसंदाना तरीके से इसराइल पे एक नजर मारने की बात हो रही है। इसराइल यहूदी मुल्क जो कि हमारे से साइज में कई गुना छोटा है, मगर IT एक्सपोर्ट्स की हमारे से कई गुना ज़्यादा हैं। इधर हम अपना टैलेंट एक्सपोर्ट कर देते हैं ना, और उधर वो टैलेंट इंपोर्ट करते हैं ना, यानी कि यहाँ पे जो ब्रेन ड्रेन है वहाँ पे ब्रेन गेन है। इसराइल के की इकोनॉमिक मेट्रिक से साबित हो रहा है कि नमूना है वो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का।
ये सब जान के दिल तो मेरा कर रहा था कि इस कामयाबी का बायस मैं इनके यहूदी पन पिटा कि शायद इनकी नस्ल ही ऐसी है, मगर पता ये चल रहा है कि ये भी एक ओवर सिंप्लीफिकेशन है, क्योंकि तहकीक से हमें ये पता चल रहा है कि इधर किसी एक नस्ल का इंसान रहता ही नहीं है। यहाँ दुनिया भर से यहूदी हिजरत करके आते हैं, मुख्तलिफ जुबानें, रिवायतें, तहजीब अपने साथ लेकर आते हैं इस खत्ते में। मतलब जो तगैयरात यहाँ कल्चर्स में मिलती हैं, यहाँ आईक्यू में भी पाई जाती है। हाँ, यहाँ यहूदी ईमान तो सबका है, मगर पूरी दुनिया से लोग उठ के यहाँ पे आते हैं। दैट मेक्स इट कल्चरली डाइवर्स। और यही बात इंडिया में भी पाई जाती है। रिलैक्स, कल्चरल डाइवर्सिटी की बात हो रही, दीन ईमान बदलने की बात नहीं हो रही। मतलब बहुत सी नस्लें हैं इंडिया में, एथनिक, रेशल, जेंडर, कास्ट बायसेस तो इंडिया में भी हैं जो कि हम सब में होते हैं, मगर काम के मामले में कामयाबी हासिल करने के लिए इन तासुबात को दरगुजर कर दिया जाता है। शायद इनसे हम यही सबक सीख सकते हैं, और शायद यही वजह है कि इंडिया के टेक सीईओज अमेरिका में बहुत कामयाबी हासिल कर चुके हैं। सिलिकॉन वैली में माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, अडोबी, आईबीएम, वीएमवेयर, विमियो, सब के सीईओज जो हैं वो इंडियन विरासत के। तो नीचे सवाल जरूर आएगा, आर यू मुस्लिम? और उसके जवाब में हम कहेंगे कि क्या मुसलमान सिर्फ मुसलमानों से ही सबक सीख सकता है? तो इंडियंस ने ऐसा क्या किया कि आज बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपनी भाग दौड़ उनके हाथ में दे रखी है? जहां हमने अंग्रेजों से तबकाती निजाम और अफसर शाही सीखी, वहां इंडियंस ने उनसे रिसर्च, मॉडर्न वर्क कल्चर और इंसानी रिसोर्सेज की इज्जत करना सीखी। अपने काम और अपने नौजवान टैलेंट को उनने चुक के रखा है, एलिवेट कर दिया है। आईटी में उनके तालीमी इदारे, उनका सिस्टम, उनके बिजनेसेस सब मिलके एक एक इंजीनियर को चेंज मेकर बना रहे हैं, और हमारी सुई अभी तक 9 से 5 पे अटकी हुई है। चलो माना डिसिप्लिन जरूरी है, मगर ये 9 से 5 का सिस्टम तो गूगल ने भी काफी देर पहले तर्क ही कर दिया था। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहे 4 से 8 बजे काम करे, 10 से 11 बजे काम करे, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। कंपनियों को तो ये फिक्र होनी चाहिए कि भाई काम करने वाला प्रेशर में तो नहीं आ रहा, उसका लैपटॉप काम कर रहा है ना, रिमोट बेस भी यही कर रहा है। मेरे ख्याल से वक्त आ गया कि अब हम इस यहूदी ऑब्सेशन से कुछ अच्छा भी सीख लें। पिछले 20 सालों से गूगल, सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, ईबे सब इसराइल की सिलिकॉन वादी में बैठे हैं। कोई यहूदी साजिश करने नहीं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करने। बेसिकली ये टेक्नोलॉजी की तख्लीक ही है इनकी पैदावार का जरिया, खास तौर पे स्टार्टअप्स में। इसीलिए इसराइल को स्टार्टअप नेशन भी कहते हैं। इमिग्रेशन का भी कोई छोटा किरदार नहीं है इसराइल की तरक्की में। एक ह्यूमिलिटी आती है किसी नए जमीन पे जाके रहने से। मतलब आपके कुछ चाचे मामे का टैका नहीं है उस जमीन पर, और अगर आपको उस जमीन पर रहना है तो आपको उन्हीं के कानून कायदे के हिसाब से चलना पड़ेगा। किसी भी इमिग्रेंट से जाके बात करो, जहां पे भी वो रहते हो, तो वो अपनी कहानी जरूर सुनाएंगे कि उनको क्या कुछ पीछे छोड़ के आना पड़ा इस नई जमीन पे आके रहने के लिए, कैसे उनको सीढ़ी के नीचे से ऊपर चढ़ना पड़ा। सिलिकॉन के इंडियन टेक सीईओज की भी यही खास बात है। ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी ने जब इंडियन सीईओ प्राग अग्रवाल को चुना अपने आप को रिप्लेस करने के लिए, तो उसमें भी उनने यही खसूसियत पाई ह्यूमिलिटी की, जो कि कंपनी को चुनाने के लिए मुफीद है। सो देयर इज अ वेरी डिफरेंट स्किल सेट दैट यू नीड टू स्टार्ट अ कंपनी, बिकॉज़ यू डोंट हैव मनी। अगर पैसे भी नहीं है और आपके पास लोग भी नहीं और आपने कुछ क्रिएट करना है, जब वो एक छोटी सी बेसिक सी चीज चल जाती है, फिर आपने नेक्स्ट स्टेज पे जाना है, आपने 3-4 लोग हायर करने हैं। द स्किल सेट फॉर दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट स्किल सेट, बिकॉज़ नाउ यू नीड टू मैनेज पीपल। नेक्स्ट स्टेज है वेयर यू नीड मैनेजर्स टू मैनेज पीपल। The biggest skill set that a CEO needs that wants to go long term is adaptability and learning, right? Learning on the job, कि आप कैसे एक स्टेज से दूसरी पे जाते हो, फिर आप सारी चीज़ें ट्रैश करते हो या सीखते हो उनसे, and then you go to the next one, then you go to the next one, and then you go to the next one. कुछ ही साल पहले लोगों का ये वीडियो स्पॉन्सर है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो जो है वो रिमोट बेस्ड जो कंपनी है उसने स्पॉन्सर किया हुआ है। हालांकि इंटीग्रेशन अच्छा किया इन्होंने, इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए भाई, वो भी जो अगर मूरू जो हैं वो काम करने बैठे हैं तो उनको भी घर चलाने के लिए पैसा चाहिए यार, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, और बहुत अच्छे से इन्होंने इंटीग्रेट किया है। रिमोटली काम करने में इतना एतमाद नहीं था, लेकिन कोविड की वजह से ये सब बदल गया है, और रिमोट बेस के जरिए और से और पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को रिमोटली काम करने का मौका मिल रहा है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आप अप्लाई करना चाहेंगे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अनलाइक अ सॉफ्टवेयर हाउस, हमने कोई बैरियर नहीं बीच में रखा हुआ। सो हमने ये नहीं किया हुआ कि हमारे पास, वी डोंट हैव प्रोजेक्ट मैनेजर्स, वी डोंट हैव डिजाइनर्स, वी डोंट हैव ऑल दीज पीपल, एंड द कोर कॉन्सेप्ट इज के वो लोगों के साथ डायरेक्टली काम करें, उनके साथ ट्रेन हो, हम लोग भी उनको हेल्प करते हैं एज अ कम्युनिटी, एंड देन दे ग्रो एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। इट्स अ वेरी डिफरेंट मॉडल इन दैट एस्पेक्ट। तो भाई पाकिस्तान को भी बहुत कुछ सीखना है स्टार्टअप्स के मामले में भी। हाँ, बाकी मुल्क के हालात भी असर करते हैं स्टार्टअप के फेल होने में, मगर इसराइल की तरफ अगर आप देखें तो ये लोग तो जंगे लड़ते लड़ते भी और हमलों का सामना करते करते भी अपनी ग्लोबल वेंचर कैपिटल को 2000 में डबल करते रहे। काम करने के तौर तरीके से यार बड़ा फर्क पड़ता है।
मतलब आप इसराइल की फौज की ही मिसाल ले लें, इनकी मिलिट्री ने इनक्यूबेट किया है हजारों इसराइली टेक स्टार्टअप्स को, और वो भी इसी सबब कि इनकी फौज में एक गैर दर्जा बंदी का दस्तूर है, अ नॉन हायरार्किकल कल्चर, जहां सब छोटी कम्युनिटीज में कॉमन आर्मी सर्विसेज हैं। करीब रहने वाले लोग अपने नेटवर्क्स के जरिए गैर रस्मी तरीकों से बिजनेस करते रहते हैं। आर्मी में भी निचले ओहदे का सिपाही ऊपरले ओहदे के जनरल को तजवीज पेश कर सकता है, ना सिर्फ ये कि फैसले पे पूछताछ भी उससे कर सकता है। मकसद अपना टैका जमाना नहीं है, मगर अच्छे और एफिशिएंट फैसले करना। हम यहाँ पे वीआईपी कल्चर के अभी मनफी नतायज भुगत रहे हैं, जहाँ पे किसी से सवाल नहीं उठाया जा सकता, बस सेठ साहब ने पैर ऊपर रखने और कहना शट अप, ये मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना, ओके। एक अच्छी बात इसराइल की ये है कि यहाँ पे कोई समाजी तासुब नहीं नाकामी का, कि आम आदमी को भी यहाँ पे पता है कि जीतने के लिए बार बार हारना जरूरी है और नुस्खा एक ही है कि काम करते रहो, तो वो अपने प्रोजेक्ट को सियासी और मुआशी सूरत हाल के बावजूद डिवेलप करते रहे। तो अगर आप तमीज से काम नहीं करोगे तो कहाँ छुपोगे, किसी एक शहर से दूसरे शहर कहाँ भागोगे। तो इसीलिए ट्रांसपेरेंसी की डिग्री ज़्यादा है और दो नंबरी कम है। इसराइल में जो अफरा तफरी के हालात हैं वो भी बहुत मुफीद होते हैं स्टार्टअप कल्चर्स के लिए। मुसलसल तब्दील होते हुए माहौल में तरतीब आपका दोस्त नहीं, और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के लिए ये भी चीज़ मुफीद है। इसको कम्प्लेक्सिटी साइंस में हम एज ऑफ केओस के फिनोमेना से डिस्क्राइब करते हैं। ये एज ऑफ केओस हम पाकिस्तान में भी एक्सपीरियंस करते हैं और कुछ पाकिस्तानी स्टार्टअप्स इसको इस्तेमाल कर रही हैं अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए, जैसे कि एयरलिफ्ट, बाजार, जमीन, बाइकिया। मगर जहां इंडिया में 85 यूनिकॉर्न कंपनीज हैं अब, और इसराइल में जन्म ली हुई टेक स्टार्टअप्स भी 79 यूनिकॉर्न्स बन चुकी हैं, पाकिस्तान में एक भी नहीं है। हेलो डार्कनेस माय ओल्ड फ्रेंड, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मतलब इतनी भी मायूसी मत लो इस बात पर, क्योंकि 2020 से 2021 में पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में 40% ग्रोथ आई है। IT और IT enabled services में highest growth rate है ये compared to all other industries in this region. March 2021 में पाकिस्तान के broadband connections 100 million touch कर गए। Micro enterprises, independent consultants and freelancers have contributed around $500 million to the IT and ITES exports and the annual domestic revenue exceeds $1 billion. Remote base भी अमेरिका से डॉलर पाकिस्तान ही ला रहा है, adding to the IT exports. मगर इंडिया का 79 billion US dollars है. That's almost 79 times more than Pakistan. अगर इसराइल की सूरत हाल पाकिस्तान से इतनी ही मुख्तलिफ है तो क्या पाकिस्तान उससे कुछ सीख भी सकता है? एक मुल्क ना एक तरह से एक ख्वाबों की फैक्ट्री होता है, और लोगों को जिस चीज़ के ख्वाब दिखाए जाते हैं ना, वो उसी की तरफ फिर जद्दोजहद करने लग जाते हैं। यहाँ पे किसी को महबूब को अपने कदमों में लाने के ख्वाब दिखाए जाते हैं और साथ सौंडे का तेल बेचा जाता है, किसी को मौके की ज़मीन के ख्वाब दिखाए जाते हैं और उसको फिर USA का वर्क वीज़ा बेचा जाता है। हमारे तो फिर ख्वाब भी ऐसे ही है ना। अगर कुछ सीखा जा सकता है तो वो इसराइल की माओ से हैं, जिनने पहचाना कि स्टार्टअप्स में और वैसे भी दुनिया में कामयाब होने के लिए होते हैं चांस कम, तो कोशिश करना, नाकाम होना ज़रूरी है, और अपनी नाकामियों को छुपाना भी ज़रूरी नहीं है। चलना भी इंसान गिर गिर के ही सीखता है, जिसके लिए चाहिए होती है हिम्मत। तो हिम्मत चाहिए कुछ फ़र्क और नया करने के लिए, मार्केट को डिसरप्ट करने के लिए। रिमोट पेस ने भी एक नया मॉडल लाने की हिम्मत की, जो कि रिवायती लोग कहते थे कि कभी भी पाकिस्तान में नहीं चलेगा, मगर इनने कर दिखाया ना, हिम्मत की और माजी की नाकामियों को हाल की कामयाबी में तब्दील कर दिया। तो तुम भी हिम्मत करो और कुछ नया कर दिखाओ। मैं भी जाके अब थोड़ी कोशिश करता हूँ, निकलता हूँ। मुरू आउट। तो वीडियो हो गया है ख़त्म, और था तो स्पॉन्सर वीडियो, लेकिन बातें जो कही इन्होंने इस पूरे वीडियो में बिल्कुल 100% सही है। बढ़ना किसने है? आपने। तो सीखना तो पड़ेगा बॉस। चीन के साथ हमारी लड़ाई चल रही है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन चीन से ट्रेड हमने बंद नहीं की है। हम सीख रहे हैं चीजों को, हम सीख रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन साथ ही साथ हम सीख कर आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं। अब जैसे दिवाली में हमने चाइनीज माल का बहिष्कार कर दिया, तो भाई जो हमारी इंडियन कंपनीज थी, जो इंडिया में चीजें बन रही हैं, हमने उसका इस्तेमाल किया, तो हुआ ना फायदा। तो आप इसराइल को अपना दुश्मन मानते हैं, भारत को जानी दुश्मन मानते हैं, मानते रहिए। उससे ना इसराइल की सेहत पर कोई फर्क पड़ रहा है, ना इंडिया की सेहत पर कोई फर्क पड़ रहा है। हम दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, हमें अपने लक्ष्य पता हैं, हम उन पर फोकस हैं। काम कर कौन नहीं रहा है? वो आप नहीं कर रहे हो। तो इसका नुकसान किसे हो रहा है? आपको हो रहा है। और आईटी एक्सपोर्ट्स में मैं आपको बता दूं कि
शायद 250 बिलियन डॉलर्स के पार चला गया है पिछले साल का, और गुड्स एक्सपोर्ट में 400 बिलियन डॉलर का अभी अभी डेटा आया है, उसमें हम चले गए हैं, और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। पिछले 10 सालों में हमने डिफेंस इक्विपमेंट्स में भी अच्छा खासा इजाफा किया है, बढ़ोतरी दर्ज की है। तो आप समझ रहे हो, क्योंकि हमारा फोकस, हमारा विजन, हमारी पॉलिसीज क्लियर है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि 100% सारी चीजें सही हैं, लेकिन मैक्सिमम चीजें सही हैं, और जो जहां पर गड़बड़ियां हैं, जहां पर गलतियां हैं, जहां पर गलत नीतियां हैं, उनको बदला जा रहा है, उनको बेहतर किया जा रहा है। यूथ पे फोकस है हमारा, स्किल डेवलपमेंट की जा रही है, पढ़ाई लिखाई के नए आयाम बदले जा रहे हैं, पॉलिसीज लगातार बदली जा रही हैं, नए IIM खोले जा रहे हैं, नए साइंस इंस्टीट्यूट खोले जा रहे हैं, नए IIT खोले जा रहे हैं। क्यों खोले जा रहे हैं भाई? क्योंकि हमें पता है कि इसका पोटेंशियल, अभी हम शुरू करेंगे तो आगे जाके 15-20 साल बाद इसका पोटेंशियल दिखेगा, 10 साल बाद ये आपके रेवेन्यू में, आपकी इकोनॉमी में एड ऑन करना शुरू करेंगे, और यही हो रहा है। अब IIT तो हम UAE में भी खोलने जा रहे हैं भाई, हमारे जो CBSE बोर्ड है वो दुनिया भर के, आई थिंक मुझे लग रहा है कि 40-50 से ज्यादा देशों में CBSE बोर्ड से पढ़ाई की जाती है, वो हमारा बोर्ड है। गल्फ कंट्रीज में अच्छा खासा CBSE बेस्ड स्कूल्स हैं। तो आप समझ रहे हो ये क्यों है? क्योंकि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो राइट ट्रैक पर है, और उस ट्रैक पर राइट होने का फायदा हमें मिला है। जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, जो डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर्स बन रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं, रिसर्चर्स बन रहे हैं, बिजनेस मैनेजर्स बन रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी में अपना योगदान दे रहे हैं। और ये जितने भी CEO की बात की इन्होंने, टेक CEO की, वो सब, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो तो बाहर पढ़े हुए हैं, वो इंडिया में नहीं पढ़ते। अरे भैया, सुंदर पिचाई यहीं IIT के प्रोडक्ट हैं, बाकी सारे भी जितने हैं वो सब यहीं पढ़ लिख के गए हैं। तो जिन लोगों को ये लगता है ना कि भाई नहीं, वो तो बाहर पढ़े होंगे, इंडिया में पढ़े नहीं होंगे, भैया सुन लो कान खोल के, वो सब इंडिया में ही पढ़ के गए हैं, मैक्सिमम इंडिया के ही प्रोडक्ट हैं। तो आप इस बात को समझिए, और इन्होंने जो बातें कही हैं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के लोग इनकी बातों को कितना समझते होंगे या समझेंगे, और कितना अपने आप को एब्जॉर्ब करेंगे इन बातों को, क्योंकि उनके लिए तो अच्छा यहूदी है और साजिश रचा होगा, अच्छा हिंदू है साजिश रचा होगा। मतलब मैं हैरान था, एक लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया शायद किसी हिंदू को, कैलाश कुमार को, वो भी नॉन कॉम्बेटेंट है। मतलब मैं ये क्लियर कर दूं कि पाकिस्तानी फौज में कॉम्बेट जो जवान होते हैं, जो लड़ाई लड़ने वाले होते हैं, उनमें कोई हिंदू या कोई माइनॉरिटी वाला नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, हिंदू तो बिल्कुल नहीं है। तो एक रिएक्शन वीडियो में देख रहा था, तो उस पर ये पूछा गया, एक बंदा दूसरे से बंदे पूछ रहा, यार बताओ यार, हिंदू को बना दिया है, सेना में डाल दिया है, तो सीक्रेट जो है वो एक्सपोज नहीं हो जाएंगे, खतरा नहीं बन जाएगा उन पर एक्सपोज होने का? अरे भैया, वो हिंदू आप ही के देश का है ना, अगर हम ऐसा सोचने लगे तब तो एक भी मुस्लिम या दूसरी किसी कम्युनिटी का आदमी ना हो हमारी सेना में। लेकिन हमारी सोच ऐसी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी हिंदुस्तान में, वो सब हिंदुस्तानी है, वो चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब का हो, हमारे लिए वो सबसे पहले हिंदुस्तानी है, हम सब पहले हिंदुस्तानी हैं, इसलिए हमारे यहाँ कोई रोटोक नहीं है। और हायर रैंक्स पे हमारे यहाँ जो हैं वो चाहे मुसलमान हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, भाई हर कोई रहता है, सबको बराबरी का हक है, और कोई किसी पर शक नहीं उठाता कि अच्छा जी ओ ऐसे कैसे। लेकिन आपके यहाँ ये नियत में है, ये आपके माइंड में है, और आप चेक कर लीजिएगा, ये सब नॉन कॉम्बेट जोन में जो जितने भी हिंदू गए हैं ना, लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए हैं या कैप्टन बन गए हैं, कोई भी कॉम्बेट वाले में नहीं है, सब कोई डॉक्टरी में होगा, कोई इंजीनियरिंग में होगा, इसी टाइप का होगा, क्लियर कर लीजिएगा। खैर, मैं बुराई नहीं कर रहा उसका, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से पता नहीं, इनको तो बहुत हेट मिलती होगी भाई, और इस वीडियो पे भी मुझे लग रहा है कि इनको भी हेट मिली होगी भाई, कैसे आप यहूदियों से सीखने की बात करते हो, वी आर द बेस्ट, We are Muslims and we are the best. तो इसमें मुझे हसन निसार साहब की बड़ी याद आती है, उन्होंने कई बातें, वो लगातार मैं सुनता रहता हूँ तो कहते रहते हैं, और मुस्लिम्स क्या हैं, और वो इतिहास पर ही अभी तक चल रहे हैं, वर्तमान में कुछ बदलते नहीं और फ्यूचर में कुछ दिखता नहीं है, तो बड़ी मुश्किल है। तो जल्दी हाजिर होता हूँ दोस्तों नए वीडियो के साथ, नमस्कार, जय हिंद।